हेलो फ्रेंड, मैं मुजाउल हसन और आप देख रहे हैं हसन आर्ट स्टूडियो। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ट्राई कलर बेस पे आप पेंटिंग कैसे बना सकते हैं, टी शर्ट पेंटिंग कैसे कर सकते हैं अपने आप को। अगर आप इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे पे अपने आप को ट्राई कलर बेस पे पेंटिंग की हुई टी शर्ट पहनना चाहते हैं और ये बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाती है अगर आप खुद इस पे पेंटिंग करना चाहते हैं, तो हमने ऐसे ही पेंटिंग किया। आप देख सकते हैं पीछे हमारे, और मैंने खुद भी वो टी शर्ट पहनी हुई है जो मैं आप दिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे पेंटिंग बना सकते हैं ट्राई कलर बेस पे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी ठोक दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने लेना होगा वाइट कलर का एक टी शर्ट एंड एक हमने कार्डबोर्ड लेना होगा जो हम टी शर्ट के बीच में लगाएंगे, एंड एक छोटा कार्डबोर्ड हमें लेना होगा बीच में जगह छोड़ने के लिए जहां पर हम अशोक चक्र लगाते हैं, उसके लिए वहां पर हम एक कार्डबोर्ड रखेंगे। और हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं सैफ्रन कलर से जो हम टेक्स्चर दे रहे हैं फैब्रिक कलर का, और ये टेक्स्चर दे रहे हैं यहां पर। और यहाँ पर हमने बीच में एक कार्डबोर्ड लगाया हुआ है जिससे कि हमारा कलर बीच के एरिया में ना जाए जहाँ पर हमने वाइट कलर में अशोक चक्र बनाना है। अशोक चक्र के लिए हमने जगह छोड़ी हुई है, उसकी जगह पर हमने एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है। और अब हम नीचे फैब्रिक कलर यूज़ करेंगे ग्रीन कलर का, जो कि हम ट्राई कलर जो हमारा फ्लैग है उसमें हम यूज़ करते हैं, तो उस कलर का अब हम टेक्सचर यहाँ पर दे रहे हैं। और ये बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, ये छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर पे। जैसे कभी अगर कोई टी शर्ट पेंटिंग कंपटीशन होता है तो उसमें हम ये सब यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी डिज़ाइन बना सकते हैं इसमें। अभी हम यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के लिए एक पेंटिंग यहाँ पर टी शर्ट पेंटिंग दिखा रहे हैं बना के, और ये बहुत ही इजी है सभी के लिए। ये बड़े भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज आपको टी शर्ट पेंटिंग करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रीन कलर कर दिया है नीचे। अगर आप सच्चे देशभक्त हो हैं तो अपनी देशभक्ति का सबूत देने के लिए भी लोग ऐसी पेंटिंग बना करके टी शर्ट पेंटिंग करके आप पहन सकते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा टेक्सचर लग रहा है। ये पेपर को, ये नॉर्मल पेपर लेके हमने इसे फोल्ड करके और यहाँ पर हमने टेक्सचर दिया है। तो और अब हमने एक कटआउट बनाया है अशोक चक्र का, जो कटआउट हमने एक हार्ड एंड थिक पेपर पे लिया है, उसको कट करके अब हम उसमें ब्लू कलर कर रहे हैं जैसा कि अशोक चक्र होता है हमारे फ्लैग में। तो उसी प्रकार से हम भी यहाँ पर कलर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बाद ये पेंटिंग कैसी लगेगी आपकी टी शर्ट पे। ये कोई कह ही नहीं सकता कि आपने पेंटिंग खुद की है, ये अलग ही लुक देगी। और आप किसी को बताएंगे कि ये हमने पेंटिंग की है तो आपका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा वहाँ पर। और आप यहाँ दूसरी टाइप से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सिंपल फ्लैग लिया है और सिंपल टाइप का फ्लैग बनाया है, और आप इसमें डिज़ाइनिंग फ्लैग भी बना सकते हैं, एक साइड में फ्लैग बना सकते हैं। और ये हमने यहाँ पर बड़ा अशोक चक्र लिया है, आप इसमें अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। ओ ये यहाँ पर टेक्सचर देने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाया यहाँ पर क्योंकि ये पेपर बहुत पतला है तो ये हमारे पेपर पे चिपक गया है। तो आप यहाँ पर कोई मोटा कागज़ ले सकते हैं या फिर आप कोई कार्डबोर्ड लेके उसे कट करके उसमें आप जब कलर करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाता है। और एक तरीका ये भी होता है कि आप सिर्फ तीन कलर के वाइट टी शर्ट लेके तीन कलर के वो भी ले सकते हैं स्प्रे, आप स्प्रे पेंटिंग कर सकते हैं। तो
तो वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, उसमें सिर्फ बीच में हमने एक कार्डबोर्ड लगाना है वाइट जगह छोड़ने के लिए, जिसमें हमारा अशोक चक्र रहता है उसके लिए, और बाकी ऊपर साइड में हमने स्प्रे कर देना है जैसा हमारा फ्लैग में कलर होता है, और नीचे भी हमने ऐसे ही एक स्प्रे कर देना है, और वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और फिर बीच में हमने कटआउट रखना है अशोक चक्र का, और ऊपर से ब्लू कलर का हमने स्प्रे कर देना है, तो वो और भी ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में आपको पेंटिंग बना कर दिखा रहे हैं टी शर्ट पे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है फैब्रिक कलर। ये आसानी से कहीं भी मार्केट में मिल जाते हैं, आप बुक सेलर से आप ख़रीद सकते हैं। और लगभग अभी लगभग तैयार हो गई है, अब मैं बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए। और ये हटाया मैंने, ओ ये वाओ, मैं काफ़ी खुश हूँ ये देखकर, क्योंकि मैंने पहली बार पेंटिंग, ये टी शर्ट पेंटिंग बनाई है। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।